हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें किस तरीके से हम लोगों को क्रॉप जो है उपजाना चाहिए, कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिसेस जो है उसे किसानों के द्वारा किए जाते हैं बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो बच्चों, आज उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मैन्योर फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैन्योर। मैन्योर जो होता है, मैन्योर जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द मैन्योर। सो मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नेचुरली बनता है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। तो बच्चों, मैन्योर जो है वो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड मैन्योर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया है फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। कहने का मतलब कि जो खेत में बचे हुए अवशेष जो होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है, मरे सड़े गले जीव जंतु होते हैं, वो सभी जो है सड़कर फार्म यार्ड मैन्योर का निर्माण करते हैं। दे आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फार्म यार्ड मैन्योर। फिर जो होता है मैन्योर जो होता है जो कि डंग से तैयार किया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए काउडंग है ना, काउडंग या एनिमल डंग से जो तैयार किया जाता है, कोई भी एनिमल डंग से, उसे हम लोग मैन्योर कहते हैं, काउडंग मैन्योर कहते हैं। दिस मैन्योर इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बिकॉज इट आल्सो प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसके अलावा जो मैन्योर तैयार किया जाता है वो कंपोस्टिंग प्रोसेस से भी तैयार किया जाता है। तो कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सबसे पहले जो है एक गड्ढा जो है कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिग ए पिट, देयर आफ्टर ऑल द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो सड़ने वाले चीज होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गए या फिर किचन वेस्ट हो गए, जैसे ड्राई लीव्स हो गए, उसके बाद लेफ्ट ओवर फूड हो गए, ये सभी सारे चीजें जो सड़ने वाली चीजें हैं उन्हें हम लोग पीट में डाल देते हैं। देयर आफ्टर वी कवर इट ए लेयर ऑफ सॉइल, उसके बाद उसे एक मिट्टी की परत से उसे हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं एंड कीप देम फॉर 2 or 3 weeks, 2-3 सप्ताह के लिए उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसे फिर दोबारा डिग करके देखेंगे तो वी विल फाइंड द ब्लैक कलर एश है ना, उसमें ब्लैक कलर का जो है एश के रूप में चेंज हो जाता है, राख के रूप में चेंज हो जाता है। ये जो होता है बहुत उत्तम क्वालिटी का, बहुत अच्छे क्वालिटी का मैन्योर कहलाता है।
है ना, जो कि कंपोस्टिंग के प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मैन्योर जो है वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस से भी प्राप्त किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो एक ऐसा वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अर्थवॉर्म हो गया, है ना, अर्थवॉर्म हो गया। तो अर्थवॉर्म या रेड वॉर्म जो है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पिट जो है खद देते हैं, फील्ड में जो है गड्ढा कर देते हैं। उसके बाद जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उसको कलेक्ट करके जमा कर देते हैं और उस गड्ढे में डाल देते हैं। देयर आफ्टर वी ऐड सम वॉर्म्स इन देम। उसके बाद हम लोग कुछ वॉर्म्स जो है जैसे कि अर्थ वॉर्म हो गया, रेड वॉर्म्स हो गया, ये उसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से होता क्या है कि ये वॉर्म्स जो होते हैं जैसे रेड वॉर्म हो गया या अर्थ वॉर्म हो गया, दे स्टार्ट ईटिंग अप द मटेरियल प्रेजेंट इन द पिट। वो जो है वो सड़े गले पदार्थों को खाना शुरू कर देते हैं एंड दे एक्सक्रेट जस्ट सॉइल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थवॉर्म केक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो जो सॉइल निकलता है जो कि उसका एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और वो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को और भी बढ़ा देता है। तो बच्चों ये भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से हम लोग जो है मैन्योर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थवॉर्म के तरीके से जो मैन्योर प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेचुरल रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा गड्ढे में वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है उसे हम लोग डालते हैं और उसे राख के रूप में परिवर्तित करवा देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा जब वो सड़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद जो खेत में बचे हुए अवशेष होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल्स होता है उससे भी मैन्योर तैयार किया जाता है बच्चों। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है या काउडंग है, एक्सक्रेटा जैसे कि आदमी का एक्सक्रेटा हो गया, है ना, एनिमल डंग हो गया, ये सब को भी दे ऑल्सो गेट कलेक्टेड ऑन द सॉइल एंड अलाउ फॉर द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन देम एंड दे कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। वो जो है उसे मैन्योर के रूप में चेंज कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सारे तरह के मैन्योर जो होते हैं अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने समझा कि मैन्योर जो है वो क्या है, लेकिन मैन्योर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ऑलमोस्ट जितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सिलिकॉन, बोरॉन, जिंक, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिच इन द मैन्योर। मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। बच्चों जब किसान खेती करते हैं या हम लोग किसी चीज को लगाना चाहते हैं, किसी प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं, तो मिट्टी को सबसे पहले ऑब्जर्व हम लोग करते हैं कि मिट्टी में उपजाऊ शक्ति है कि नहीं है। वो उपजाऊ शक्ति उसे कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो उपजाऊ शक्ति जो है वो सबसे मिट्टी के जितने भी लेयर होते हैं, प्रीवियस क्लास में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन होता है मिट्टी का। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है जिसे कि टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं हम लोग, टॉप सॉइल जो होता है ये टॉप सॉइल जिसमें कि ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। जो सड़े गले पदार्थ जो अवशेष होते हैं उसे ह्यूमस के लिए जानते हैं। और ह्यूमस में जो होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो ह्यूमस प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैन्योर जो होता है इनफैक्ट
ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ जो है सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर इसका इस्तेमाल खेत में किया जाए तो पौधों की उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है वो बनी रहती है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना कि मैन्योर जो है इनफैक्ट होता क्या है। मैन्योर जो है सड़ा के बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से सड़ाया जाता है, वॉर्म्स के एक्शन से सड़ाया जाता है, ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा को सड़ा कर बनाया जाता है और उसे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बच्चों फर्टिलाइजर्स जो होता है, नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट द व्हाट इज द हाउ द मैन्योर कैन बी मेड एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मैन्योर, बट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। क्या डिफरेंस होता है मैन्योर का और फर्टिलाइजर का? फर्टिलाइजर जो होता है तो फर्टिलाइजर्स जो होता है बच्चों, ये जो होता है ये नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स नहीं होता है, दे आर द केमिकल सब्सटेंस। ये जो होते हैं नेचुरल होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि नेचुरल होते हैं और इसमें कंपोजिशन जो होता है नेचुरल होने के साथ साथ ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक काउ डंग हो गया, है ना, काउ डंग और एनिमल डंग, वी कैन से दैट एनिमल डंग ह्यूमन एक्सक्रेटा प्लांट रेसिड्यूअल ये सारे चीजों से मिलकर मैन्योर बनता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होता है ये कंप्लीट आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस होता है, ये नेचुरली नहीं बनता है, सब्सटेंस होता है, इट मेड इन द लेबोरेटरी, ये जो है लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और इसमें जो मुख्य चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जो मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन हो सकता है या फास्फोरस हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, एनपीके हो सकता है, इसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है ना, तो मैन्योर जो होता है बच्चों ये सारे चीज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू दिस सॉइल, प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू दिस सॉइल, बट फर्टिलाइजर्स आर रिच इन सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ बच्चों जो मैन्योर होता है इट मेक द सॉइल पोरस, ये जो होता है मिट्टी को, सॉइल को क्या बना देता है, पोरस बना देता है, ये मिट्टी को पोरस बना देता है। पोरस बनाने से क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर और ऑल्सो इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एयर, दस हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो एरेशन भी इंप्रूव करता है और साथ साथ ये जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है। लेकिन फर्टिलाइजर में इस तरह के कोई गुण नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होता है रिच होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि हम लोगों ने बात किया अभी, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, और ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है
और इसमें खास मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, जबकि सारे पोषक तत्व तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो है इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज यील्डिंग, इंक्रीज यील्डिंग, ये जो है जो प्रोडक्टिविटी है उसको इमीडिएटली ये बढ़ा सकता है। इसमें ये क्षमता होती है कि ये पौधों को बहुत अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन बच्चों ये मैन्योर हमारा होता है, इसमें फायदे तो बहुत सारे होते हैं कि ये जो है सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लॉन्ग टर्म यूज जो होता है, लॉन्ग टर्म यूज जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल होता है यानी कि लाभदायक होता है, बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, बट लॉन्ग टर्म यूज इज नॉट बेनिफिशियल। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज जो होता है फर्टिलाइजर्स का, लॉन्ग टर्म यूज इज नॉट बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल। क्यों ऐसा होता है बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि लंबे समय तक जब हम लोग किसी फॉर्म में किसी खेत में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ सकती है, एंड इट मे चेंज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल का गुण है उसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया तो उसमें जो है वो लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो है उर्वरकता शक्ति जो है घट सकती है, वो एसिडिक हो सकता है मिट्टी या अल्कलाइन हो सकता है मिट्टी, जिससे कि हमारे खेत जो है वो बैरन भूमि में बंजर भूमि के रूप में बदल सकते हैं, बैरन लैंड में बदल सकते हैं। तो बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में अभी हम लोगों ने ये डिफरेंस देखा। अगला डिफरेंस हम लोग देखते हैं वो है इसका, जो मैन्योर्स होता है वो वॉल्यूमिनस होता है ना, यानी कि इसके वॉल्यूम जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बल्की होता है ना, बल्की होता है यानी कि भारी होता है। इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक, एक ट्रैक्टर मान लो कि काउडंग है तो उसे कैरी करने में कितनी परेशानी होती है, और उसे फील्ड में फिर डालना, उसको सारे जगह पे फैला के फेंकना, जिससे कि पौधों में तक पहुंच सके, वो मिट्टी तक पहुंच सके, तो रियली इट इज टू टफ टू हैंडल द मैन्योर। बट फर्टिलाइजर्स आर इजी टू कैरी, है ना, ये वॉल्यूमिनस नहीं होता है, ये लाइट होता है, हल्का होता है, और इसे जो है इजी होता है, आसानी होती है इसे हैंडल करने में, इसे हम लोग फील्ड में आसानी से छींट सकते हैं। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का देखा। तो मैन्योर जो है वो हर तरीके से बेनिफिशियल है, लेकिन बच्चों जहां पे बड़े पैमाने पे कृषि की जाती है, कृषि कार्य किया जाता है, बड़े खेत में किया जाता है, वहां पे मैन्योर का सप्लाई करना उतने बड़े पैमाने पर रियलिटी इज टू टफ। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये वॉल्यूमिनस होता है, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो छोटे पैमाने पर जो किसान काम करते हैं वो कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर किसान लोग जो है मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर किसान लोग जो है इसका इस्तेमाल, मैन्योर का इस्तेमाल बड़े खेत में करना मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइजर्स को उतने मात्रा में इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण कि उसकी वृद्धि अच्छी होती है, जो पौधे होते हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, और उन्हें निश्चित पोषक तत्व मिल जाता है। लेकिन किसान लोग जो है इससे ओवरकम होने के लिए, इस तरह के फर्टिलाइजर से खराबी नहीं हो इसलिए और भी दूसरे पद्धतियों का, दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी हुई रहे। जैसे कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई विल टेल यू हाउ वी कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और हाउ वी कैन रिप्लेनिश द सॉइल,
क्योंकि जब भी कोई पौधे लगाए जाते हैं तो पोषक तत्व तो जो मिट्टी में रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पौधों के द्वारा, और मिट्टी में जो है पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो जब मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअली दिस वीडियो especially focused on the difference between manures and fertilizers. तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आप लोग manures और fertilizers के बीच में अंतर को समझ गए होंगे कि manure जो होता है ये naturally occurring substance होता है, ये field में बनाया जाता है, किन चीजों से बनाया जाता है जैसे animal dung हो गया, human excreta हो गया, plant residual हो गया। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं और ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। जो मैन्यूर होता है इट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स होता है उसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट जो है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम है ना, फॉस्फोरस, ये सब ज्यादा अधिक मात्रा में होता है जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मैन्यूर जो है मिट्टी को पोरस बनाता है, बेटर एब्जॉर्प्शन वाटर का, एयर का होता है, जिससे कि पौधे अच्छी तरह ग्रो करते हैं। लेकिन ये बातें फर्टिलाइजर्स में नहीं होती है। इट इंक्रीज द यील्डिंग बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो वी कैन से दैट द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल। It may turn the soil acidic or alkaline, due to which our soil may turn into barren land. But long-term use of manure is beneficial for us. But one of the major difference in between fertilizer and manure is that manure is voluminous and bulky, so very difficult to handle. On a small scale farming, we can use the manure, but on a large scale, we cannot use the manure. We can use the fertilizer because it is light and easy to handle and it also provides the essential nutrients for the proper growth of plant. But long-term use may turn the field into barren land. So students, these are the basic difference between manure and fertilizer. Fertilizers are specific in some nutrients, rich in specific nutrients, but manure provide all the essential nutrients. But for a small scale, manure can be used, but long term is harmful for the soil. So, बच्चों अभी हम लोगों ने ये difference को discuss किया. In my next video, I will tell you how we can replenish the soil. कुछ methods है जिसको कि मैं discuss करूँगा. वो है हमारा जैसे कि nitrogen cycle, crop rotation, उसके बाद फेलो फील्ड, ये सारे प्रोसेस जो है मल्टीपल क्रॉपिंग, ये सारे प्रोसेस जो है किसानों के द्वारा किए जाते हैं जिससे कि वो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बनी हुई रहती है। थैंक यू बच्चों, वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके।